ये वो दिन थे। और आज के पंतप्रधान से जब ये मैं सारी बातें देखता हूँ तो मेरे दिल में बड़ा दुख होता है कि किस लहजे में हमारे आदरणीय मोदी जी को ये सारी बातें बताए। मैं तो राह देख रहा हूँ या मैं तो कोई रास्ता ढूंढ रहा हूँ कि मैं जाके बताऊं कि मोदी जी ये सुनिए, ये जो सारे किसान मर रहे हैं ना, इनका पाप का ठिकरा आप अपने सर पर मत फोड़िए। और मैं बिल्कुल, मुझे बिल्कुल खात्री है कि आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी को ये डेफिनेटली उनके जो अफसर है वो गुमराह कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या उनके जो सांसद है ये सारी बातें बताने में, उनके सामने रखने में ये कोई उतने सक्सेस नहीं हो रहे होंगे या उनको समय नहीं मिल रहा होगा। तो मैं सांसदों को भी, हमारे प्रांत की जो है उनको भी हाथ जोड़ के नम्र विनती करता हूँ कि कृपया जो विदर्भ के जो फिलहाल दुर्गति हो रही है ये हमारे आदरणीय पंतप्रधान के सामने रखिए, और जो हो सके तो एक मेरी मुलाकात करवा दीजिए, नहीं तो जरूरत नहीं है, उनको आपको ही पता है क्या क्या दुर्गति हो रही है, तो ये बता के उनको बोलिए कि कृपा करके हमारा जो स्टेट है वो अलग करवा दीजिए, हमको आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ हमको हमारा राज्य दे दीजिए, हमारा हक दे दीजिए, और हमारे किसानों की जो आत्महत्या हो रही है और रोकिए। ऐसा मैं हाथ जोड़ के नम्र विनती करता हूँ हमारे आदरणीय मोदी साहब को। मैं ये पूरा का पूरा वीडियो प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल पर टैग करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक ये वीडियो पहुंचे और आपकी बात सुने। उसके बाद मैं भी आग्रह कर रहा हूं पंतप्रधान से कि मैं खुद अभी कम से कम 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट तो मैं घूम के आया ही हूं विदर्भ से, विदर्भ की स्थिति देखी नहीं जाती है, और हमारे प्रधानमंत्री जी जरा विदर्भ के ऊपर देखिए, और अगर ये डिमांड आपको लगता है जायज है तो इस पर काम कीजिए। आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो रहा है, आपके विपक्षी पार्टी का भी मैनिफेस्टो रहा है, सारे लोग सहमत हैं, तो विदर्भ नया राज्य बना दीजिए। लेकिन मैं विदर्भ के आवाम से और विदर्भ के खास तौर से किसानों से ये आग्रह करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने अपने इलाके में अधिक से अधिक फैलाइए और हमारे साथ जुड़िए, हम आपकी समस्या को लेकर के लगातार दिल्ली दरबार में दस्तक देते रहेंगे। प्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बेहतरीन वक्त गुजारने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आशुतोष को अनुमति दीजिए।